Hello everyone, good evening and welcome back to my channel Isu Diary. I hope you all are doing great and मैं भी बहुत बढ़िया हूँ. और आज है सैटरडे और मैं इवनिंग में ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. और आज मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको जो कि लुलू हाइपर मार्केट था मैंने आपको शेयर किया था. तो एक्चुअली हम अभी इंटरनेशनल सिटी दुबई में रह रहे हैं एंड इसके अंदर जो भी जितने भी शॉपिंग मॉल हैं मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी और बहुत सारी कुछ है चीज़ें आपको शेयर करने वाली मैं आपको शेयर करूँगी धीरे धीरे करके. तो पिछले ब्लॉग में मैं लुलू हाइपर मार्केट लेके गई थी आपको आप सबको. तो आज हम जा रहे हैं और एक शॉपिंग मॉल में. तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? यूनिकॉर्प. और वो इसके अंदर है ना? इंटरनेशनल सिटी के अंदर ही है. ओके सो अभी हम वहाँ चलेंगे. मैं आप लोगों को भी लेके चलूँगी और मेरा भी थोड़ा सा घूमना हो जाएगा. बाकी तबीयत थोड़ा सा मेरा डाउन है लेकिन आज अच्छा लग रहा है तो सोचा कि आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बनाऊंगी और बस आपको शेयर करूंगी. तो मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ तो अभी निकलते हैं एंड ज़्यादा बातें नहीं करते हैं. और प्लीज़ आपको अगर यहाँ का ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना मेरी वीडियो को. और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मैं आगे भी बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग लेके आऊँगी आप लोगों के लिए. तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो पास में बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी जो नई नई ब्लॉग आएगी ना आपके पास पहली नोटिफिकेशन आ जाएगी. तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस. वॉक कर करके जा रहे थे और मुझे आप सबसे एक बात शेयर करना था कि दुबई का जो रोड है ना आप जैसे देख रहे हो इतना साफ़ है क्योंकि आप वहाँ पे सो भी सकते हो विदाउट बेड के साथ. इतना मतलब साफ़ है यहाँ का जो रोड वगैरह है. और बस वॉक कर करके हम पहुँच गए हैं यहाँ पे जो यूनिकॉर्प मार्केट है और इसके अंदर हम अभी चलेंगे. और ये बहुत ही लाइक छोटा सा मॉल है इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इसमें ना बहुत सारे लाइक मैकडोनल्ड है डोमिनोज है और खाने के लिए बहुत सारे ऐसे कुछ है और शॉपिंग करने के लिए भी है जैसे कि हाइपर मार्केट वगैरह. लेकिन हमने शॉपिंग कुछ नहीं किया था जस्ट मैं ऐसे ही घूम के आई हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर जितना भी मॉल है मैं एक एक बार देख लूँगी. बस हम ऐसे ही थोड़ा बहुत घूम के ही चले आए कुछ शॉपिंग नहीं किया है उसके अंदर में. वेजिटेबल्स लेना था फिश लेना था तो इसलिए लुलू हाइपर मार्केट हम पहुंच गए हैं अभी. तो उस दिन आपको मैंने लुलू हाइपर मार्केट में सिर्फ वेजिटेबल्स और कुछ किचन सेट में लेके गई थी लेकिन आज मैं सोचा कि मैं आपको फैशन जो स्टोर है ना उसके अंदर लेके चलूँगी. और ये जो फास्ट देख रहे हैं ये है बेबी किड वगैरह क्लोथिस सेक्शन है. और क्या होता है ना लुलू हाइपर मार्केट में वीकेंड में थोड़ा सा सेल भी पड़ता है हर कुछ चीज़ों में
और लाइक ड्रेसेस, सूज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लाइक सब में होता है वीकेंड में, जो कि मैं पिछले संडे में गई थी तो कुछ भी ये मुझे पता नहीं था, लेकिन हम सैटरडे गए थे तो हमें पता चला कि कुछ ना कुछ सेल पड़ता है। तो ये रही लेडीज़ का जो सूज सेक्शन है, और लेडीज़ और जेंट्स बोथ साइड का जो सूज सेक्शन है, और बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन था। और बस मुझे एक लाइक स्लीपर, जैसे फ्लैट्स होता है ना, मैं उसको एक ढूंढ रही थी, मुझे एक लेना था, तो मैं उसी की तलाश में थी कि कहाँ मुझे मिलेगी। और बस मुझे मिल गई मेरी पसंद की एक जो कि फ्लैट से, और यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन से, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस था। तो मैं एक लेके आई हूँ जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और ये रही मेरी मिकी माउस फ्लैट्स, जो कि मैं ये लेके आई हूँ उस दिन। और बस मैं यहाँ पे बस बैठ के थोड़ा सा ट्राई कर रही थी, और मतलब ये मेरे पास नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने सोचा इसको ही लेके चलते हैं आज, और ये मैं लेके आई हूँ। और उसके बाद हम आगे जो कि लेडीज़ का ड्रेस लाइक सेक्शन है, वेस्टर्न वेयर, ये वेस्टर्न वेयर का सेक्शन है, और बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन है, नया कुछ देखने को मिला मुझे यहाँ पे। और कपड़ा का जो लाइक क्वालिटी है ना, वो बहुत अच्छा था, लाइक बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं किया है, जस्ट आप लोगों को बस दिखा रही हूँ, मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं किया है ड्रेस का, बस ऐसे थोड़ा सा थोड़ा बहुत मैं घूम के आई हूँ। उसके बाद हम आए फिश मार्केट में, लाइक जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था, और ये मुझे दिख गई कि सी फिश, जो कि मुझे मुंबई में इतने सालों में मुझे ये फिश नहीं मिला, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में, लाइक मुझे सी फिश ज़्यादा पसंद है, तो ये मुझे दिख गई और हम ये भी लेके आए थे उस दिन। और उसके बाद यहाँ पे है मीट सेक्शन, लाइक आपको यहाँ पे कितने टाइप का मीट मिलेगा मैं बता नहीं सकती हूँ, और इतने अच्छे अच्छे मतलब डिजाइन में कट करके है ना, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत सारे आपको जैसे भी आपको चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगी, इतना अच्छा से मतलब यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन डेट के हिसाब से है, उसी डेट के अंदर आपको फिनिश करना पड़ेगा। और यहाँ पे है लाइक ग्रीन साग जो बोलते हैं, और यहाँ पे जो कि इंडिया में भी जो साग मिलता है वही साग ये है, उड़िया में इसको बोलते हैं कड़ोमो सागो, और ये मैं लेके आई थी उस दिन। और ये हो रही हमारी शॉपिंग, और यहाँ पे शॉपिंग क्या है ना, आपको बैग लेके जाना नहीं पड़ेगा, एक एक पॉलीथिन के अंदर आपका एक एक शॉपिंग का सामान वो रख के देते हैं। एंड मैं घर चली आई, और उसके बाद आके मैं डिनर बनाई, और डिनर में आज बन रहा है मशरूम एंड आलू का फ्राई, और मैंने मशरूम कट करके रख दिया था और आलू भी, बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्राई भी हो चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा जो मस्टर्ड पेस्ट रहता है ना, मेरे पास तो मिक्सी नहीं है, मतलब मेरा जो मिक्सी है वो आ रहा है सिप में, तो ये मैं रेडीमेड लेके आई थी, जो कि मैं पहली बार यूज कर रही हूँ, और पता नहीं ये कैसा टेस्ट लगेगा, लेकिन उस दिन बहुत टेस्ट अच्छा हुआ था, तो इसको मैं थोड़ा सा डाल दूँगी मेरे मशरूम फ्राई में और बना लूँगी। तो बस ये था मेरी आज की ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आएगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, एंड कमेंट में बताना कि आपको मेरी ब्लॉग कैसा लगा।